मैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने भाई बहनों के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़ें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक चचा आपसे मिलने आ रहे हैं और वो चचा जो है वो गजोदर भैया के बारे में। सब ठीक है? पैर छू लो, चुनाव का टाइम है। अरे हाँ, खूब बड़े हो जाओ, खूब तरक्की करो, नाम कर दो। हाँ, एक बार पहले राजू जी ताली बजाओ। ताली से मुझे याद है चचा, अभी एक आदमी पहुंच गया निर्मल बाबा के दरबार। कृपा। अब बाबा को देख के बाबा याद आ गए। कृपा है ना, निर्मल बाबा को पहुंचा। बाबा बहुत कष्ट रहता है बाबा, पत्नी सुख नहीं है बाबा, बहुत कष्ट है बाबा। बाबा बोले, राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी प्रोग्राम देखते हो? हाँ हाँ देखते हो बाबा, जब कॉमेडी देखते हो तो आनंद आता है? हाँ हाँ बाबा आनंद आता है। जब आनंद आ रहा था तो ताली बजाया था बाबा, हंसते हंसते ताली बजाना भूल गए थे, बस कृपा वहीं अटक रही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब भी कहीं चुनाव आते हैं दीपक जी, चाहे प्रदेश के हों, विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा वाले हों, तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले चुनाव मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता दलित के घर में, गरीब की झोपड़ी में रात गुजारते थे सिर्फ वोट के लिए। ऐसे रात को 2 बजे गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में दस्तक हुई, बुढ़ी निकली। अरे कौन है, कोठों के डाला। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मेरे 10-12 साल हो गए। ये वो बहन जी नहीं, ये मायावती जी हैं। ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते, मगर गरीब का घर है, हमारे चारपाई एक ही है, उसे राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी राइट, वेरी राइट। हमें याद है बचपन में, आज तो ये सब बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज भरा रहता है। आज तो बच्चा खा ले तो ऐसा लगता है उसने आपके ऊपर एहसान किया। मम्मी, कई घरों मैंने मम्मी देखा ब्रेड बटर लगा के जैम में, मतलब पीछे पीछे डब्बू खाओ, खाना पड़ेगा। नो नो खाओ चलो खाओ। हाँ, और बच्चा इतना भरा हुआ है ना, तो बच्चा ये तो उनका भाग्य है कि आज आपने उनको इतना अरेंजमेंट करके दिया है, ईश्वर ने दिया है। हमें याद है तब तो ना चाइनीज था, ना बर्गर था, ना पिज्जा था। हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी लड्डू, पेड़ा, रबड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, यही चलता था। मैगी वैगी नहीं थी उस जमाने में, तो हम भी सोचते थे रसगुल्ला खाने का मन है, लेकिन हम जब मन करता था तब घर वाले मंगा नहीं पाते थे, तो हम सोचते थे कि आज मेहमान आ जाएं, भगवान 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 आज घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए तो मंगाएंगी, उनके लिए मंगाएंगी तो हमें भी मिल ही जाएगा। अब रसगुल्ला आ गया, रसगुल्ला टेबल पे रखा हुआ है और बच्चे को देना भूल गए। अब बच्चा कंट्रोल किए हुए टेबल के चारों तरफ, अब हिम्मत करके, अंकल रसगुल्ला आपको भी अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। तब भी नहीं दिया। अब बच्चा टेबल के चक्कर लगा रहा है और ध्यान भटकाने के लिए घर की चीजें गिन रहा है जबरदस्ती, जबकि एक ध्यान इधर ही रखा हुआ है।
टू वन बल्ब, टू बल्ब, वन ट्यूबलाइट, थ्री बल्ब, वन टीवी, वन सोफा, वन सोफा, टू सोफा, टू सोफा, वन सोफा, टू टू सोफा। अंकल अंकल, मैं कभी कभी काला वाला रसगुल्ला खाता हूँ और कभी कभी सफेद वाला, तब भी नहीं दिया, तब भी नहीं दिया, उसने उछलना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी कहती है जब कोई दे तब लो, नहीं तो खुद खुद से लेना बैड मैनर होता है। तब भी नहीं दिया, अब तो वो सोच रहा है कि पापा किसी काम से अंदर चले जाएं, फिर मैं मेहमान की ऐसी तैसी करता हूं। पापा अंदर गए, बच्चा तो भरा हुआ अंदर से, मेहमान के पास आया। अंकल अंकल, आपके कान में एक बात बोलूं, एक बात, एक बात, एक बात, कान में, कान में, कान में एक बात। हाँ हाँ बोलो बोलो। आप ना, आप बड़े कमीने हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। नहीं नहीं हो। अच्छा अंकल अंकल, आप, आपका चश्मा तोड़ूं? तोड़ने दो ना, तोड़ने दो ना, जितना रसगुल्ला ने नहीं दिया सब ऐसी तैसी कर रहा है। इतने में पापा आ गए अंदर से। अरे भाई, आपको ये परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई खास नहीं, मैं तो स्कूल का, इसके स्कूल की पोएम सुन रहा था। नहीं नहीं, पोएम नहीं, वही। अब बच्चे से रहा नहीं गया, बच्चे ने डायरेक्ट मेहमान से बोल दिया, अंकल आप कब जाओगे? क्यों? मैं ये सारे रसगुल्ले खाऊंगा। पहले हम भी इन तमाम बच्चों की तरह कानपुर में, अगर पता चलता था हमें कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होने वाला है तो हम भी उधर चले जाते थे। टेंट वेंट लगा होता था तो उधर झांक के देखे थे, कुर्सियां उर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन अपने पास नहीं है, पास नहीं तो जाएं कैसे? तो वही बांस, बांस के सारे गैप में, टेंट टेंट फटा हुआ होता तो वो फटे में से पूरा ऐसे सुनता था। तभी वहां पता चला उनका जो अनाउंसर आने वाला था, जिसको एंकर कहते हैं, वो बोले कोई स्टार है आने वाला है। वो आया तो रिक्शे वाला आके बोला, भैया एक जने आए हैं, एक जने आए हैं भैया। तो ऑर्गेनाइजर लोग भागे तो देखा वही अनाउंसर था और रिक्शे में ऐसा पूरा लटका हुआ है, पूरी राल टपक रही है। भाई साहब प्रोग्राम है, है? प्रोग्राम करना है, साले मारूंगा। बोले पानी 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 मारो इनके, मुझे पानी मारो, पानी मारो, पानी। भाई साहब प्रोग्राम शुरू करना है, ज्यादा नेतागिरी ना करो। नेता करो, तुम्हारा प्रोग्राम काम घुसेड़ दें। मैं वही खड़ा छोटा सा ऐसे देख रहा हूं इसे। मैंने हिम्मत करके कहा, भाई साहब ये जो करने वाले थे मैं करूं? क्या तुम क्या करोगे है? तुम क्या करोगे? नहीं ये बोलना था ना, हम बोल लेंगे माइक पे। अरे लमड़ा कह रहा, हम बोल लेंगे, क्या करें हैं? इसी से करा लें क्या? कर लेओगे? करो। अब आए वहां। नमस्कार दोस्तों, सभी सुनने वालों को नमस्कार। राजू श्रीवास्तव के सामने हाजिर है, आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं और ये करके ताली वाली बजी, खुश हो गए। फिर मैंने एक आइटम शोले का सुनाया था, शोले का सुनाया था जो मेरे साथ बीता था। और मैंने शोले फिल्म देखी थी, हमने खुद सोचा कि अगर कोई गांव का आदमी शोले फिल्म देख के आए तो अपने दोस्तों को कहानी कैसे सुनाएगा, तो फिर वो सुनाता है। शोले में बहुत बढ़िया दिखाया है, कहा रहा कि जो है बसंती घोड़ा बैठी है शोले के अंदर, बसंती घोड़ा में बैठी है, घोड़ा दौड़ा रहे गट 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 गट, घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। हम सिनेमा हॉल में बैठे रहे, हमारे बगल में गजोधर बैठे रहे,
घोड़ा भाग रहा, घोड़ा भाग रहा, हम घबरा गए। हम कहा कि घोड़ा निकल कुर्सी में आ जाए, तो गजोधर बोले अरे बैठो सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा, हमका मालूम सनीमा, घोड़ा तो नहीं मालूम सनीमा। और जो है सोलह में कह रहा है एक जगह जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र कैसा हाथ बांध देता है गब्बरवा, गब्बरवा बहुत कुत्तागिरी काम किया रहा, गब्बरवा ऐसे हाथ बांध देता है धर्मेंद्रा का, और जो छोकरिया रही है अरे बड़ी जोरदार है। तो हमारे मोहल्ले में एक छोकरी वैसी नहीं है, छोकरा रहे बसंती नाम रखे रही है, जो आजकल भाजपा में दौड़ भाग कर रही है भारतीय जनता पार्टी में, बसंती नाम रहा। तो बसंती जो है, बसंती कहता है गब्बरवा ए छोकरिया नाचो, जब तक तुहार गोड़ चली एक जिंदगी चली, तुहार गोड़ रुकी ती बंदुकिया कनपटी हम लगा घचघचा के दाब दे। धर्मेंद्र का नाचना नहीं बसंती, तुहार मरद बोल रहा हूं, बसंती नाचना नहीं, सब कुकुर लोग है, कुकुर लोग के सामने नाचना नहीं। हम तीन चार बार तो बर्दाश्त किया, हमका काहे नहीं नाचना, रुको ये देखो टिकट लिया, जैसे टिकट दिखाए वैसे नाच शुरू। तो शोले के अंदर बड़ा अच्छा दिखाया है, शोले में एक गनवा बहुत अच्छा रहा, वो वाला जो रहा कजरा रे कज तोर प्यारे प्यारे ना, ये गाना शोले में बढ़िया रहा। तो दूसरा बोला ये गाना शोले में है, ये गाना शोले में है, मत झपड़ती मत, ये गाना शोले में है, कुछ भी कह देंगे मान लेंगे, आप कह देंगे, आप कह देंगे मान लेंगे, शोले के अंदर गाना है, हमको फालतू समझ रहे हैं, मत झपड़ती। जब कह रहे हैं गाना शोले में दिखाया है, जब पब्लिक चली गई बाहर इंटरवल में दिखाया। बड़ा ब्रेक, आप किसको मानते हैं? पहले मेरे ऑडियो कैसेट आते थे, तो चुटकुलों का ऑडियो कैसेट, तो वो बहुत मशहूर हो गया था करीब 15 साल पहले, लेकिन उसमें सिर्फ ऑडियो थी, फोटो थी नहीं। अब मैं जिस टैक्सी में बैठा हूं, जिस रिक्शे में बैठा हूं, उसमें मेरा टेप बज रहा है, लेकिन वो मुझे जानता नहीं कि यही पैसेंजर है। तो छेड़ने के लिए उनसे कहता भी था कि अरे क्या सुन रहे हो यार, कोई गाना वाना लगाओ, ये क्या सुन रहे हो? तो बोलता है अरे नहीं भैया सुनो, ये कोई राजू श्रीवास्तव है, साला बहुत हंसाता है। तो वो एक ब्रेक मिल गया था, उसकी वजह से तमाम ऑर्केस्ट्रा में यहां वहां हमें प्रोग्राम काफी मिलने लगे थे उस टेप की वजह से। मैं कभी कभी कहता हूं कि हर आदमी का महत्व है, चाहे चपरासी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे खाना खिलाने वाला हो, मेकअप मैन हो, बॉय हो, असिस्टेंट हो, सबका महत्व है। मेरे मुझे वर्ल्ड टूर दिलाने में एक ड्राइवर का हाथ है। अब आशा भोसले जी ऐसे तो मेरा कैसेट कभी खरीदती नहीं, वो कैसेट सुनेंगी तो क्लासिकल सुनेंगी, बड़े गुलाम अली का सुनेंगी, HMV का कुछ सुनेंगी, इतनी बड़ी हस्ती है। लेकिन उनके ड्राइवर के पास मेरा कैसेट था, तो जब गाड़ी में जा रही थी तो रास्ते में सुन रही थी, तो कह ली ये क्या सुन रहा है, अकेले हंस रहा है, वो उसके कंधे उछल रहे थे। बोले कंधे क्यों उछका रहा है? तो पता चला कॉमेडी सुन रहा है। तूने कहा अच्छा तेज करना, वॉल्यूम तेज करना, तो वॉल्यूम तेज किया, सुनी बहुत हंसती रही शोले ओले सुन के। फिर उन्होंने बोला इस लड़के को बुलाओ, मैं इसको वर्ल्ड टूर पे ले जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो था, लेकिन उससे मेरी गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन जो सही ब्रेक और जो जहां से मैं घर घर पहुंच गया ईश्वर कृपा से, वो लाफ्टर चैलेंज था। राजू भाई, बहुत दिन से एक सवाल है मन में, ये जो हीरो है, क्या नाम है इसका, जो चूमा चाटी करता है, जो नहाता धोता बहुत है, क्या नाम है, इमरान हाशमी। यार इमरान जो है बड़ा अच्छा है यार, ये जो होता है ये सब सही में होता है? नहीं नहीं सच में तो नहीं होता होगा भाई, कौन अपने घर की लड़की भेज देगा जाओ वहां पे चूमा चाटी करवाओ, ये या तो कंप्यूटर से करते होंगे, कंप्यूटर से होंठ बनाया
ये ऐसे बनाया, इधर दूसरे होंठ बनाया, फिर जोड़ते होंगे। असल में कैसे होगा? असल में हमें नहीं लगता कि कोई इसको घर वाले अलाउ करेंगे, या तो बीच में शीशा रखते होंगे। देखिए, इसका मतलब है कि वो लोग इस बात को मानते हैं कि एक संस्कारी लड़की, एक अच्छे घर की लड़की इस तरह से खुले सीन कैसे दे सकती है। फिर बोले, यार इसका काम बढ़िया है, मौज भी लेता है, पैसे भी लेता है। अच्छा, फैशन शो में अगर गजोदर भैया चले तो? भाई गॉड, ये तो हम सोचे नहीं। अरे देखो, हाँ बजा बजा बजा, हाँ पहले अकेले। अच्छा वाईफाई, तुम्हारी बात हो गई, हम काम की बात आगे बढ़ाएं। आप ना हमेशा जाओ, नजर बट्टू की तरह बीच में पड़े रहते। नजर बट्टू का काम है, काम की बात हो रही है यहाँ पे। एक मिनट रुके, हम क्या सोच रहे हैं? आप इतना सारा जलवा देखे, इतना टैलेंट देखे, हम तो हीरोइन बनने छोड़ा, कॉमेडियन बना दीजिए। कॉमेडियन? थोड़ा सा कॉमेडियन की टिप्स दे दीजिए। भारती, भारती के पेट पे लात मारोगी? मार देंगे, कहा जाए उसका पेट में लात मारने के लिए मैं पहले लात तो बढ़ानी पड़ेगी ना। हम है ना, बताइए ना, झुमरी को भाई भाई बनाए, हम इस शहर तक आ गए हैं, आप उनको कॉमेडियन कैसे बने बताइए, कोई कुछ कुछ तो टिप्स दे दीजिए। कॉमेडियन बनने के लिए एकदम पागलपन करो, एकदम हम पागल बन सकते हैं। एक दिन ये बाल पूरे से झुथरा लो। अच्छा, हम नीचे मिर्ची लगा रहे हैं। अच्छे से बताइए ना। अभी सुनने वाईफाई मुझे याद है, अभी सुनने में फेसबुक ने बहुत पैसे दे के व्हाट्सएप को खरीद लिया। हाँ, तो पैसे बेकार में खर्च किए, मेरे से आइडिया लेते, किसी स्टोर में चले जाते, फ्री में डाउनलोड कर लेते।